जनता जनार्दन है, जनता सब देखती है, बहुत मॉनिटरिंग होती है। आज लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जलवा चल रहा था, ये सब लोग मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का जलवा चल रहा है, ये भी सब लोग मानते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के महरौली के विधायक नरेश यादव जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन किया है आम आदमी पार्टी ने, साथ ही साथ वह चिकित्सा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। तो हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में बातचीत की जाए और वास्तविक हकीकत क्या है हम वो भी आपको दिखाएंगे और जनप्रतिनिधियों से सीधा आपको मुखातिब कराएंगे कि वो क्या कहते हैं, जो बदलाव के दावे किए जा रहे हैं नरेश जी, वो कितना हद तक सही है। देखिए, पूरी दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों की हालत 2015 से पहले थी वो पूरी दिल्ली के लोग बयान कर सकते हैं। आज 2015 में जो सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी और मैं महरौली विधानसभा से विधायक बना, तो दिल्ली के अंदर पूरे सरकारी स्कूलों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। बदलाव बिल्डिंगों में डेस्क या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो आया ही आया है, साथ में जितना भी एकेडमिक पार्ट था, जो रिजल्ट्स थे, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। हमने पिछले लगातार सालों में प्राइवेट स्कूल्स के जितने रिजल्ट्स थे उसको सबको पिछाड़ दिया है और आज हम दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। और दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूलों में हालत ख़राब थी पहले, ना डेस्क थे, ना बोर्ड थे, ना पूरे क्लासरूम्स थे, उसमें लगातार सारे स्कूलों में काम कराया गया है। मैं बात करूं अगर महरौली विधानसभा की, तो मेरे यहां पर रजोकरी में 2 स्कूल हैं, दोनों में नई बिल्डिंग बनाई गई। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें कमरे कम थे, तो नई बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई और उनमें बहुत अच्छे कमरे, बहुत अच्छे क्लासरूम, डेस्क वगैरह बनाए। आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, एक बिल्डिंग रेडी है, दूसरी बिल्डिंग पे काम चल रहा है। नई बिल्डिंगें आप लोग बना रहे हैं, साथ ही जो पुरानी है, तो क्या पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट भी कर रहे हैं आप? जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, मान लो डेस्क नहीं है तो डेस्क दिए जा रहे हैं, अगर उसका अंदर का पंखे, बिजली, ब्लैक बोर्ड या खिड़कियाँ ख़राब है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल क्लासरूम्स के जो चाहिए थे उसके लिए नई बिल्डिंग और वो लेटेस्ट बिल्डिंग बनी है। पुरानी में जो बदलाव हो सकता है वो बदलाव भी किया है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्कूलों में बदलाव आए हैं और जो पहले थे सरकार बनने के पहले, उन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले तो ना तो क्लास में डेस्क थे, ना ब्लैक बोर्ड थे, ना खिड़कियाँ टूटी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे हैं नहीं, पंखे लगे हुए नहीं हैं, बच्चे कब कहाँ से खिड़की से निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं, पता ही नहीं चलता था। आज एक सिस्टम हो गया पूरा स्कूल, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल ही हो गया हो, जैसे पब्लिक स्कूलों की बिल्डिंग्स हम देखते थे और उनके बारे में सुनते थे, तो आज ऐसा ही हाल पूरा दिल्ली में सरकारी स्कूलों में है। नरेश जी, लगातार बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, मनोज तिवारी जैसे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार वो दावा कर रहे हैं और हमलावर भी हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये घोटाले कर रहे हैं, इनका काम सही नहीं है, उसके लिए भी मैं बोलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि जैसे रजोगरी में 2 स्कूल बने, ऐसे ही साकेत में एक बड़ा स्कूल, बड़ी बिल्डिंग उसमें बनी। इसके अलावा लाडोसराय में पूरा एक बड़ा स्कूल मेरे यहाँ बना। महरौली के अंदर हमारे 5 स्कूल्स हैं यहाँ पुराने, उनमें सब में रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक में नई बिल्डिंग बननी है तो उसको स्कूल को शिफ्ट करने के लिए दूसरे स्कूल में पोटा कैबिन्स बनाए जा रहे हैं और लगातार सभी स्कूलों में एक एक छोटे से छोटा काम किया जा रहा है। स्कूलों में SMC बनाई गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो लगातार काम कर रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो मॉनिटरिंग करती है। वहाँ पर स्टेट मैनेजर लगाए गए हैं जो कि जनरल काम देखते हैं, एकेडमिक पार्ट के अलावा कोई भी काम होगा तो वो स्टेट मैनेजर देखेगा। ये एक नया कंसेप्ट सरकार ने लाया है। और स्वीपिंग का काम, गार्ड्स का काम, जो पहले बहुत ही मतलब लापरवाही से होता था, वो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से अच्छी एजेंसीज से कराया जा रहा है। अब रही बात जो आप अपोजिशन की बात करते हैं कि मनोज तिवारी जी कुछ कह रहे हैं या दूसरे नेता कुछ कह रहे हैं, अभी सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि दिल्ली सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। चुनाव के वक्त इनके पास कोई ऐसे मुद्दे दिल्ली के लिए नहीं है, क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक,
अस्पतालों में और लगातार पानी, सीवर, रोड के ऊपर जो हमने काम किए हैं उसका कोई तोड़ इनके पास नहीं है। आज ये इधर उधर से कोई ऐसे मुद्दे निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जनता का ध्यान आकर्षण करें, लेकिन जनता जानती है ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यों से कितना खुश नजर आ रही है, क्योंकि जो कर्नाटक में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश की कहानी लिखी जा रही, पटकथा लिखी जा रही है, कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में दिल्ली में भी ये कहानी दोहराई जाए, उसको लेकर के आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली में आज हर कोई ये बोलता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों से सर बात किया, उन्होंने कहा कि जब यही कहानी हो सकता है 6 महीने बाद दिल्ली के इलेक्शंस खत्म हो जाएं, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आ जाए फिर वही कहानी जो कर्नाटक में की गई है यहाँ भी की जाए, तो इससे अच्छा चुनाव कराने की जरूरत क्या है, इस पर क्या कहना? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, जब आज लोकतंत्र अगर देश में नहीं बचेगा तो फिर तो इस पूरे देश में जो डेमोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका क्या लाभ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार आई और वो एकदम से पूरे लोकतंत्र को समाप्त कर देगी। जनता जनार्दन है, जनता सब देखती है, बहुत मॉनिटरिंग होती है। आज लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जलवा चल रहा था, ये सब लोग मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का जलवा चल रहा है ये भी सब लोग मानते हैं। एक एक आदमी जब हम प्रचार के लिए जाते थे लोकसभा में तो कहते थे नहीं जी हम तो मोदी जी को देंगे, जो बहुत न्यूट्रल लोग थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे जो अप्रिशिएट करते थे कि शिक्षा में बहुत काम हुआ है, स्वास्थ्य में बहुत काम हुआ है, सीवर के लिए काम हो रहा है, पानी के लिए काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि केंद्र में आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है आम आदमी पार्टी का, इसलिए हम मोदी जी को लाएंगे, हम नहीं चाहते कि भी किसी भी तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या जोड़ तोड़ की सरकार बने। लेकिन आज जब से चुनाव समाप्त हुआ है, 23 मई के बाद रिजल्ट आए हैं, तब से लोगों की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में केजरीवाल ही बनेगा और केजरीवाल को ही आना चाहिए, क्योंकि उसी ने ही ये सारे काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, सीवर, हर काम। आज तीर्थ यात्री हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आज तक किसी ने नहीं सुध ली कि उनको तीर्थ स्थानों पर यात्रा करानी चाहिए, या उनकी पेंशन आज 2,500 रुपये मिल रही है, या आज पूरे कहीं भी हॉस्पिटल्स में चले जाओ सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सारी दवाइयां फ्री मिल रही है, लगातार अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाए जा रहे हैं, नए अस्पताल खोले जा रहे हैं, लगातार मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। खुद मेरे क्षेत्र में 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, 1 पॉली क्लिनिक चल रहे हैं और 3-4 मोहल्ला क्लिनिक और खुलने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर। तो इतना काम किसी ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। पानी के लिए मेहरौली के अंदर जबरदस्त काम चल रहा है, 4 UGR नए बनने लग रहे हैं, उन पर काम चलने लग रहा है, और रजौकरी में एक नया UGR जहां पानी होता ही नहीं था, ट्यूबवेल्स पे था या लोग इधर उधर से पानी लाते थे, वहां पे 58 लाख लीटर का पानी का UGR बन रहा है। इसके अलावा दूसरे गाँव भी है मेरे क्षेत्र में, 6 गाँव हैं, बेरसरा है, कटवारिया सराय है, लाडो सराय, उनमें पानी 5-5, 6-6 दिन में और रात को 2-2, 4-4 बजे आता था, लेकिन आज बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से लोगों को पानी मिल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जो है राज्य सरकार, जो हमारी केजरीवाल की सरकार है, उसने दी है, ये लोग भूले नहीं हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव, जब वोट डालनी थी, तब उनके मन में ये था कि केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। सारा का सारा मीडिया ने जो अट्रैक्शन किया था, ये किया था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, उसके अंदर कहीं भी केजरीवाल साहब का नाम नहीं था। उसमें नाम था मोदी का या राहुल गांधी का, ये 2 नाम आते थे, या कहते थे जोड़ तोड़ की राजनीति में ये कभी मायावती बनेगी तो कभी लालू का बेटा, कभी मुलायम का बेटा। मैं लौटना चाहूँगा शिक्षा की तरफ, जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, तो लगातार अपने फेसबुक वाल पे अपडेट कर रहे हैं हैप्पीनेस क्लासेस की, तो आपके विधानसभा के अंतर्गत 2 स्कूल हैं सरकारी, उनमें हैप्पीनेस क्लासेस चलाई जा रही हैं क्या, और क्या हैं ये हैप्पीनेस क्लासेस? मेरी विधानसभा में टोटल 15 सरकारी स्कूल हैं और 15 में ही लगभग काया पलट हो गया है, उनमें से 5 स्कूलों में नई बिल्डिंगें बन गई है और हैप्पीनेस प्रोग्राम हमारा लगातार सभी विद्यालयों के अंदर चल रहा है, उसमें बहुत बदलाव बच्चों में आया है। खुद मैं गया हूँ रामानंद, ये है क्या? ये देखिए, बच्चों को सिखाया जाता है कि एक स्ट्रेसफुल स्टडी उन्होंने करनी है, तनाव मुक्त स्टडी करनी है, जिससे कि जो बच्चों के ऊपर एक स्टडी का जो दबाव रहता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक मानसिक तौर पे एक इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि वो अपना पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाते और अपनी जनरल एक जो लाइफ है घर की, परिवार की, उस पर भी ध्यान दे। आज बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए, पढ़ाई को एक अच्छी तरह से लेते हुए लोग काम करें, बहुत बदलाव आया।
बच्चों से हमने बात की तो बच्चों ने एग्जाम्पल दिए, कई लोग बच्चों ने हमें वीडियो मतलब बाकायदा मेरे सामने, हमने उनसे पूछा कि बताओ बच्चे आपके ऊपर क्या बदलाव आया, तो उन्होंने बहुत सारे ने बताया, कई वीडियो हमने बनाए, आप कहेंगे तो हम आपको भी देंगे। और आप चाहें तो आप, अगर आपके पास समय है, आप आए हैं यूपी से और आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपके पास एक आध दिन का समय है तो आप हमारे स्कूल में घूमिए, मेहरौली विधानसभा में स्कूलों में बदलाव देखिए, वहाँ के बच्चों की डायरेक्ट बाइट लीजिए कि उन बच्चों में क्या बदलाव आया है, बेटा पहले क्या था और आज हैप्पीनेस प्रोग्राम की वजह से आपको क्या बदलाव आया। तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि हमारे स्कूल्स का विजिट कीजिए। सीमा अग्रवाल जी हमारे साथ में जो SMC की कोऑर्डिनेटर हैं, ये आपको दिखाएंगी कि जितने स्कूल्स हमारे बने हैं उसमें आप जाइए और टीचर से बात करिए, अपने स्टूडेंट से बात करिए, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लौटूंगा मैं आपके जो पार्टी के मुखिया हैं, आखिरी सवाल है मेरा केजरीवाल जी की तरफ। अक्सर अब ये कहा जाता है कि जो पहले बार बार केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार केजरीवाल को काम करने से रोक रही थी, तो अब केजरीवाल ने उसी चीज़ को अपना हथियार बना लिया है, बार बार रोना रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमें कुछ करने नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ये करने नहीं दे रही है, तो कोई भी केस हो रहा है तो ये जो है वो प्रधानमंत्री के पाले में डाल दे रहे हैं, सरकार के पाले में डाल दे रहे हैं, आखिर ये रोना कब तक चलेगा? ये तो बहुत पहले की बात है, आजकल तो हम लोग बिल्कुल केंद्र सरकार से मिलके काम कर रहे हैं, उनके जो भी मंत्री हैं उनको अपने जो बहुत बड़ा एक STP प्लांट था उसमें हमने इनवाइट किया, इसके अलावा मोदी जी से खुद सरकार दोबारा बनने के बाद में केजरीवाल साहब मिलके आए हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट के लिए कहा है कि दिल्ली में हम लोग केंद्र सरकार की सहायता से काम करना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, जो पुरानी घर से क्या अप्रोच रहता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव एटमोसफेयर है, केंद्र सरकार का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है लगातार, अभी जो कच्ची कॉलोनियों के लिए जो जितनी भी कंडीशंस थी जो हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने दी थी, वो केंद्र सरकार ने मानी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो ये पॉजिटिवनेस फैल रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अंदर, इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। केंद्र के लिए ठीक है, मोदी सरकार बनी है, लोगों की च्वाइस थी, लेकिन दिल्ली के लिए तो केजरीवाल सरकार ही बेस्ट है। बड़े बड़े जो पिलर्स हैं जो स्टार्ट के समय में रहे हैं पार्टी के साथ, उनको किनारे कर दिया जा रहा है या वो किनारे हो जा रहे हैं, उसके बारे में क्या है? कुमार विश्वास जैसा लीडर, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को किनारे नहीं किया है, सब लोगों को वो साथ लेके चलते हैं, सब लोगों को एक इस जो आंदोलन है इसमें सम्मिलित होने के लिए हमेशा कहते हैं, लेकिन कुछ विचारधारा आपस में एक दूसरे की अगर ऐसी है तो वो जो लोग दूरी बनाते हैं, मैं तो ये कहूँगा सब लोगों को मिलके करना चाहिए, ये तो पूरे देश का एक डेवलपमेंट और दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई अरविंद केजरीवाल कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप उसको ताकत दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसका साथ दीजिए, ताकि वो जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन की जो मशाल उन्होंने पकड़ी है उसको वो आगे बढ़ा सके, हमारा ये मानना है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।